हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश एमटीएस भर्ती के बारे में, क्योंकि आज इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे कि कितना कटऑफ, जी हाँ दोस्तों, कितना कटऑफ जाने वाला है उत्तर प्रदेश में एसएससी एमटीएस का। आपको पता है दोस्तों कि सभी राज्य का जो है कटऑफ ऊपर नीचे रहेगा, और सभी कटऑफ जो है अलग अलग राज्यों के अलग अलग आएंगे। काफ़ी लोग जो है इसके बारे में जो वीडियोस बना चुके हैं, और मैंने भी जो है एक सर्वे किया, और जिस सर्वे के आधार पर जो हमारे पास जो फाइनल रिपोर्ट आई कि कितनी कटऑफ जो है आपकी हाईएस्ट जा सकती है, उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट न्यूज चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलता है दोस्तों। और जब भी कोई नया सरकारी फॉर्म आता है, तो उसकी नोटिफिकेशन की सबसे पहली वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं स्मार्ट न्यूज चैनल पर। साथ ही दोस्तों, हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं रिजल्ट, एडमिट कार्ड और कट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम प्रिडिक्शन देते हैं कितने कट ऑफ जाने वाली, और यहाँ पर दोस्तों 70 to 80%, जी हाँ दोस्तों 70 to 80% यहाँ की जो कटऑफ है, प्रिडिक्शन है, वो बिल्कुल राइट बैठती है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जर्नल के। जी हाँ दोस्तों, जर्नल कटऑफ उत्तर प्रदेश में कितनी जाने वाली है इसके ऊपर दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोग जो है जर्नल के स्टूडेंट जो हमें मैसेज कंटिन्यू कर रहे हैं कि सर कितनी कटऑफ जा सकती है यूपी की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो कटऑफ जाने की पूरी चांसेस है वो है आपका 73। जी हाँ दोस्तों, 73 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, और या फिर उसके आप आसपास में हो, प्लस या एक दो नंबर माइनस कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर 73 में आप आ रहे हैं और आपके मार्क्स जो हैं उत्तर प्रदेश जो आपने स्टेट सेलेक्ट किया है और एसएससी एमटीएस में, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन फाइनल के लिए लगभग पक्का है। जी हाँ दोस्तों, ये कटऑफ है आपकी फाइनल के लिए, तो इसलिए मैं आपको ध्यान बता रहा हूँ कि 73। जी हाँ दोस्तों, जो सर्वे से जो रिपोर्ट आई है हमारी, कि उस सर्वे के हिसाब से अनरिजर्व की कटऑफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा 73 में रहेगी दोस्तों, उससे ज़्यादा कटऑफ जाने वाली नहीं है। अब बात करते हैं हम ओबीसी की। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी के लिए काफ़ी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, और यहाँ का जो कटऑफ जाने की जो चांसेस है वो दोस्तों, मैं अगर बताऊँ तो आपको 71 से लेके 72 तक। जी हाँ दोस्तों, बस राउंड फिगर आपका जो है जर्नल से एक या डेढ़ नंबर के आसपास में डिफरेंस रहता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आने वाली नहीं है, क्योंकि ओबीसी के स्टूडेंट्स जो है उत्तर प्रदेश राज्य से काफ़ी जो है लोगों ने फॉर्म भरा है, और काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर कटऑफ जाता है। तो यहाँ पे जो है कटऑफ जाने का जो चांसेस है, जो हमारे सर्वे से रिपोर्ट आया है वो आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 71.5 के, लेकिन हम यहाँ पे आपको 71 से लेकर 72 का फिगर दिए हैं कि अगर आपके मार्क्स जो है यहाँ पे आते हैं इसके आसपास में भी आप हैं, तो आपके चांसेस हैं दोस्तों फाइनल में जाने के लिए। तो अब बात करेंगे हम तीसरी, जी हाँ दोस्तों, थर्ड यानी कि एससी की। तो एससी की कटऑफ जो यहाँ की जाने की चांसेस है वो भी दोस्तों आपका ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपका 70 से लेके 71 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 70 से 71 का जो है फिगर आने वाला है, यानी 70.5 हमारे पास जो है सर्वे में आया है। तो यहाँ पे मैंने आपको 70 से 71 का आंकड़ा बताया है, इसके आसपास में अगर आप हैं और इस शेड्यूल कास्ट से आपने इस फॉर्म को भरा है, क्योंकि आपको पता है टोटल यहाँ पे 405 जो है कैंडिडेट अवेलेबल थे, तो 405 कैंडिडेट की जो अवेलेबल हैं जो सेकेंड टायर में बैठे हैं, यानी कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला हुआ है, तो उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे जो बेस है, यहाँ पे आपको जो है 70 से 71 के आसपास में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं एसटी की। जी हाँ दोस्तों, यानी शेड्यूल ट्राइब्स की, और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ पे है कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एससी में 405 कैंडिडेट अवेलेबल थे, यहाँ पर आपकी जो कैंडिडेट की संख्या है वो 1020 है, और यहाँ पे जो कटअप जाने वाला है, ऑब्वियसली दोस्तों जब संख्या ज़्यादा है वैकेंसी ज़्यादा के हिसाब से, तो उस हिसाब से यहाँ पर कटअप, जी हाँ दोस्तों, कम जाएगी, और यहाँ पर कटअप जो जाने की चांसेस है वो है आपका 55+ में। जी हाँ दोस्तों, शेड्यूल ट्राइब से आपने बिलोंग करते हैं, और यूपी कास्ट, जी हाँ दोस्तों, यूपी से अगर आपने इस फॉर्म को भरा है तो आपका सिलेक्शन फाइनल के लिए पक्का है लगभग, अगर आप 55+ में एसटी में आते हैं तो। अब आ जाते हैं हमारे एक नई कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, जो कैटेगरी मैं हमेशा छोड़ देता हूँ काफ़ी बार, तो काफ़ी स्टूडेंट ने कहा सर ईडब्ल्यूएस के बारे में ही बताइए कीजिएगा, तो दोस्तों आज से हम वो भी करेंगे आपके लिए, ईडब्ल्यूएस के भी कटऑफ बताने वाले हैं। तो ईडब्ल्यूएस में अगर कटऑफ की बात करें तो यहाँ पे 795, जी हाँ दोस्तों, 795 जो है टोटल कैंडिडेट अवेलेबल हैं, और यहाँ पर आपका जो कटऑफ जाने का चांसेस है, जी हाँ दोस्तों, वो जाने वाला है आपका दोस्तों 70, जी हाँ दोस्तों, 70 से लेके प्लस में लेके चलिए आप, यहाँ पे अगर आप 72, 73 के आसपास में रहेंगे तो भी दोस्तों आपका जो है
चांसेस है, लेकिन दोस्तों सर्वे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, रिपोर्ट जो है दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रिडिक्शन नहीं है दोस्तों, ये जो है हमारा जो सर्वे उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ जाने का चांसेस है EWES में, यहाँ 795 पोस्ट है और यहाँ पे कट ऑफ जो आपका रहेगा 70 प्लस में रहेगा, लगभग 70 आप के आसपास में है या फिर उसके ऊपर है दोस्तों, तो ऑब्वियसली चांसेस है आपका। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप आसानी से जो है इसे क्वालिफाई कर लेंगे। तो दोस्तों ये रही कट ऑफ जो यूपी का है, यानी कि उत्तर प्रदेश से, जी हाँ दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के लिए हमारे सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उन सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और तमीम सभी को बेस्ट ऑफ लक है, जो बच्चे काफ़ी मेहनत से तैयारी करते हैं और लंबे समय से, उन सभी के लिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन दोस्तों पक्का ज़रूर होगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, और हमारी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट्स हो दोस्तों, बेफिक्र आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।